हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एक और केस स्टडी जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं, और इस केस लॉ का नाम है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इस केस में क्या हुआ था सर, और इस केस की इंपॉर्टेंस कौन से टॉपिक के रेफरेंस में, ये जो केस है पूरा का पूरा रिलेटिंग है जनरल ऑफर से, और इसके साथ साथ इसकी इंपॉर्टेंस एक्सेप्टेंस के टॉपिक में भी है। तो ये कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस क्या था, और द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम इस केस लॉ को क्यों पढ़ते हैं, तो उसके सारे लॉजिक्स मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखिए, एक कंपनी जिसका नाम था कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, और उस कंपनी ने पेपर में एक एडवर्टीजमेंट दिया, और एडवर्टीजमेंट इस बात का था कि एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा तब एक वायरल फैल रहा था, और उस वायरल से 1 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी, और उस कंपनी ने यह क्लेम किया था कि हमने इस इन्फ्लुएंजा का ट्रीटमेंट ढूंढ लिया है, और मेडिसिन को जो उनका सॉल्यूशन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उसका उन्होंने नाम दिया स्मोक बॉल्स। स्मोक बॉल प्रोडक्ट का नाम था जिसको यूज करने से इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, और कंपनी ने डेली न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट दिया, और एडवर्टीजमेंट देकर यह कहा कि जो कोई भी पर्सन हमारे इस मेडिसिन को कंज्यूम कर लेगा उसे इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। इन्फ्लुएंजा जुकाम का एक टाइप होता है, और ये कंपनी ने यह क्लेम किया कि उसे इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, और यह कहा कि अगर फिर भी इन्फ्लुएंजा हुआ तो हम उस पर्सन को 100 pounds का क्लेम देंगे। और अपनी बात को साबित करने के लिए, अपने कमिटमेंट को प्रूव करने के लिए कंपनी ने वो 100 pounds डिपॉजिट करवा दिए एक अलग सेपरेट अकाउंट में, ताकि लोगों को कंपनी की बात पे यकीन हो जाए। और जब कंपनी ने ये एड देखा तो इस एडवर्टीजमेंट को देखकर मिसेस एलिजाबेथ कार्लिल, पूरा नाम था मिसेस एलिजाबेथ कार्लिल, और मिसेस एलिजाबेथ कार्लिल ने वो मेडिसिन कंज्यूम कर ली, खरीद ली, और खरीद के उस मेडिसिन को कंज्यूम कर लिया। एज पर द डायरेक्शंस जो कि कंपनी ने बताए थे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उस मेडिसिन को यूज किया। इट वॉज लाइक ए स्प्रे, किस तरीके से यूज करना था, एक स्प्रे की फॉर्म में ये पूरी की पूरी मेडिसिन थी, उन्होंने उसे कंज्यूम कर लिया, लेकिन फिर भी उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया। जब उन्हें इन्फ्लुएंजा हुआ तब उन्होंने कंपनी को 2 बार इस बारे में लेटर लिखा, रिटर्न में कम्युनिकेशन करी कंपनी से, तो कंपनी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। जब 3rd time उन्होंने कंपनी को लेटर लिखा तो कंपनी ने उन्हें यह कहा कि ये मेडिसिन उन्हें कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव की प्रेजेंस में कंज्यूम करनी होगी, और उसके बाद कंपनी डिसाइड करेगी कि उन्हें इन्फ्लुएंजा हो रहा है या इन्फ्लुएंजा नहीं हुआ है। लेकिन मिसेस कार्लिल ने इस मामले में कोर्ट में एक केस फाइल किया, और उन्होंने कंपनी से वो 100 pounds क्लेम करने के लिए कोर्ट में केस फाइल किया। जब उन्होंने कोर्ट में केस फाइल किया तो कंपनी ने ये कहा कि शी इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम दिस अमाउंट। कंपनी ने रीजन देखे क्या दिया, कंपनी की तरफ से रीजन ये था कि कंपनी ने स्पेसिफिकली मिसेस कार्लिल को ऑफर नहीं दिया था, तो जब ऑफर ही नहीं दिया गया तो एक्सेप्टेंस कहां से हुई, तो पहले ऑफर होगा फिर एक्सेप्टेंस होगी और फिर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। लेकिन कंपनी ने मिसेस कार्लिल को कोई ऑफर नहीं दिया था, इसलिए मिसेस कार्लिल उसकी एक्सेप्टेंस नहीं दे सकती थी। सो नो ऑफर, नो एक्सेप्टेंस एंड नो कॉन्ट्रैक्ट। तो जब ये बात आई तब उस केस में कोर्ट का क्या वर्डिक्ट था, कोर्ट का वर्डिक्ट था कि जो ऑफर कंपनी ने दिया था पेपर में दैट वॉज ए जनरल ऑफर, और जनरल ऑफर पब्लिक एक्ट लार्ज के लिए होता है जिसकी एक्सेप्टेंस कोई भी दे सकता है। यहां मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जनरल ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू एन ऑफर, जनरल ऑफर इनविटेशन टू एन ऑफर से अलग होता है। तो जब इन्होंने ये क्लेम किया कि जनरल ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू एन ऑफर, बट कोर्ट ने कहा यह बात तो बिल्कुल ठीक है कि जनरल ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू एन ऑफर, लेकिन यहां जो कंपनी ने ऑफर दिया है उस जनरल ऑफर की एक्सेप्टेंस कोई भी दे सकता है, और ऑफर की एक्सेप्टेंस 2 तरीके से दी जा सकती है, या तो रिटर्न में दी जाए या फिर कोई ऐसा एक्ट किया जाए जिससे कि एक्सेप्टेंस हो जाए।
कार्लिल शी केम फॉरवर्ड, उन्होंने मेडिसिन कंज्यूम करी, तो ये उनकी तरफ से एक्सेप्टेंस था। मेडिसिन परचेज करना और उसे कंज्यूम करना भी अपने आप में एक एक्सेप्टेंस था। इसलिए शी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम दैट अमाउंट फ्रॉम दी कंपनी। सो मैंने ये आपको पॉइंट क्लियर किया कि ऑफर की एक्सेप्टेंस दो में से किसी भी तरीके से दिया सकती है, या तो रिटर्न में कम्युनिकेशन हो, रिटर्न में एक्सेप्टेंस आए, या कोई ऐसा एक्ट किया जाए जिससे एक्सेप्टेंस साबित हो जाए। मिसेस कार्लिल ने वही किया, एक्सेप्टेंस दी और कॉन्ट्रैक्ट बन गया। एंड दैट्स द रीजन कोर्ट ने कहा कि इस केस में मिसेस कार्लिल वो अमाउंट क्लेम कर सकती है। सो दिस वॉज द केस ऑफ कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।